मालिश करें भैया। ये मालिश क्यों किया जाता है इसका? थकान नहीं होगा, थकान नहीं हुआ अभी यार। ये तो घोड़ा बदल, अरे सबसे बेस्ट तुम्हारा दाम कितना घोड़ा है? ये 5 लाख का है। ये 5 लाख का है जी। अच्छा इसमें तो क्या भाई, अभी हम लोग आ चुके हैं घोड़ों का बीच में, एकदम कह सकते हो इधर भी घोड़ा देखने मिलेगा और इधर भी घोड़ा देखने मिलेगा। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बकरी बाजार में, और बकरी बाजार में आप लोग ढूंढते ही यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सा एलियन टाइप बकरी देखने मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा कान है लोग का। 700 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, 700 रुपये, 600 रुपये। कौन नसल कौन है? तोतापारी, जमुनापारी, सुरैया, अजमेरी, गुजरी। और ये काफी हेवी देखने को लग रहा है यार, इसमें जो बैठेगा उसको भाई जिगरा में दम चाहिए भाई। पलंग जो है कितना से स्टार्ट है? पलंग भैया 6000 से लेके 25000 तक। हाँ सोफा सेट है, ये भी काफी सॉफ्ट है, काफी डिजाइनिस लगा हुआ, मतलब डायमंड का वहाँ पे काम किया हुआ है। और इधर और ये रहा इस मेला का सबसे बड़ा तारा माचिस, देख सकते हो ये पूरा ट्रक में घोड़ा भरा हुआ है और घोड़ा सब निकाल के वहाँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वापस से कौन नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं हूँ बिहार के धरती में सोनपुर पे, और यहाँ पे लगने वाला है बिहार का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मेला, पशु मेला। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जस्ट वहाँ मेन रोड से मैं निकला हूँ, और इधर से आके आप लोग को इस वाले रोड में जाना है जिससे रेल लाइन है, ये मेन रेल लाइन है। आप लोग जब निकलोगे यहाँ से तो आप लोग को यहाँ पर ट्रेन वेन जाती होती दिखेगी। और यहाँ पर देख लो काफ़ी सारा पशु जो कि आप लोग को देखने मिल जाएगा, काफ़ी सारे घोड़ा जो है यहाँ पे आए हुए हैं अभी फिलहाल। और अभी हम आप लोग को ले चल रहे हैं घुमाने के लिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। तो अभी ये सब बड़े बड़े ट्रकों में भर भर के आ रहे हैं सारे जानवर, हर एक स्टेट से, हर एक राज्य से, मतलब यहाँ पे देश विदेश से हर जगह से घोड़ा आते हैं। देखो इस ये पूरा ट्रक में भी पूरा घोड़ा भरा हुआ है, अभी सारे घोड़े यहाँ निकलेंगे अभी बाहर। देख सकते हो ये पूरा ट्रक में घोड़ा भरा हुआ है और घोड़ा सब निकाल के वहाँ यहाँ जो फील्ड है वहाँ पे खड़ा किया जाएगा। अभी हम लोग निकलते हुए हैं, निकलते हैं सबसे पहले चिड़िया बाजार की तरफ। और वहाँ पे चिड़िया बाजार में आप लोगों को मतलब दुनिया का जितना भी पक्षी है, हर एक तरह का पक्षी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग जैसे ही इस टनल से निकलोगे और निकलते ही आपको हर तरह यहाँ पे मिल जाएगा। ये है आपका मतलब जितने भी इवेंट्स है, जितना भी झूला है, ब्रेक डांस है, और जितना भी जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पर लोगों को मिल जाएगा घूमने के लिए और इसको देखने के लिए। और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अभी से भीड़ है, अभी आज है मेला का ओपनिंग डेट, और आज ओपनिंग करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री बिहार के जो कि है तेजस्वी यादव, वो आ रहे हैं यहाँ पे वो ओपनिंग करने के लिए। और मेला काफ़ी ज़्यादा अभी से ही पूरा सजने को तैयार हो चुका है, आज इसका ओपनिंग डेट है। और यहाँ पर हर एक तरह का आप लोग को जो कि मनोरंजन का जितना भी साधन है वो सब इस जगह पर मिल जाएगा। जब मेन रोड से यहाँ से आओगे तो यहाँ पे एक चला जाएगा लेफ्ट को, एक चला जाएगा लेफ्ट को, एक चला जाएगा राइट को। लेफ्ट वाला चला जाएगा चिड़िया बाजार, और राइट वाला चला जाएगा आप लोगों का कुत्ता बाजार। मतलब ये फेमस है गाइस, हर एक मतलब बताया जाता है यहाँ पे कि एक सुई से लेके एक हाथी तक, मतलब बिल्ली से लेके कुत्ता, बिल्ली, जानवर, हाथी, सारा जानवर जितना होता है सब मिलता है इधर पे। सब कुछ ऐसा जानवर जो नहीं है जो नहीं मिलेगा। हम रुक चुके हैं चिड़िया मार्केट की तरफ, और यहाँ पे काफ़ी सारा दुकान है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक माल 60 रुपये में जितना भी खिलौना है ले सकते हो, हर तरह का बच्चा लोग का खिलौना मिल जाएगा, और सस्ता सस्ता बढ़िया से बढ़िया जितना भी होगा सारा चीज़ अवेलेबल है। मतलब बोल रहे हैं ना, मतलब सारा इंडिया से यहाँ लोग आते हैं मेला लगाने के लिए और मेला घूमने के लिए यहाँ पे। मतलब हर चीज़ आपको बहुत सस्ता में, बहुत कम दाम में मिल जाएगा। और ये रहा इस मेला का सबसे बड़ा तारा माचिस, जो कि आप लोग नागरदोला बोलते हो या तारा माचिस बोलते हो या क्या, बहुत सारा इसका नाम है, तो आप लोग किस नाम से जानते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे एक और तारा माचिस लग रहा है, यहाँ एक लग चुका है, और यहाँ काफ़ी सारा दुकान जो कि पूरा मेला को भव्य रूप से सज रहा है। और आप लोग ज़रूर आ सकते हो घूमने के लिए। इसका आईना है कैसे, तो आपको सिंपली सोनपुर आना है, सोनपुर से आके आप लोग को 10 से 20 रुपये किराया लगेगा, और आप लोग को टोटो वाला पहुँचा देगा इस जगह पर, यानी मेला जहाँ लग रहा है। तो चलो अभी और चलते हैं, और क्या क्या आया है मेला में सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं, और सब कुछ आप लोग को डिटेल्स देते रहते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लकड़ी मार्केट के अंदर, और यहाँ पे लकड़ी से बना हुआ हर एक चीज़, हर एक तरह का आपको फर्नीचर, आप लोग को कुर्सी, टेबल, चेयर, सोने के लिए पलंग, हर चीज़ आप लोग को यहाँ पे लकड़ी से मिल जाएगा बना हुआ। और यहाँ पे ये देख लो, ये पूरा एकदम पूरा जहाँ तक देखोगे सब लकड़ी से बना हुआ सारा चीज़ देखने को मिलेगा। इधर से इतना सा अच्छा सा खूबसूरत से खूबसूरत सोफ़ा सेट आप लोग को मिल जाएगा, ये पलंग मिल जाएगा, शीशा लगा हुआ है, यहाँ पर डाइनिंग टेबल, ये देखो कितना अच्छा, बहुत सॉफ्ट है यार ये वाला। तो ये देखो ये सेट, देखो एक और ये सेट है, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी डिजाइनिस लगा हुआ, मतलब डायमंड का वहाँ पे काम किया हुआ है। और इधर काफ़ी सारा छोटा बड़ा जितना भी बड़ा से बड़ा पलंग देख लो, हर एक तरह का पलंग मिल जाएगा। और एक एक ये रहा ग्रीन कलर का सोफ़ा सेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव कर रहा है। और भी यहाँ माल आने वाला है, जो कि कल को यहाँ ओपनिंग होने वाला है, मतलब आज को ही ओपनिंग होने वाला है, सॉरी कल को बोल रहा था।
सकते हो। अगर हाँ, अगर आप लोग को हर एक मार्केट का आप लोग को डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि कौन सा आपको मार्केट का पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए, डिटेल में प्राइस जाना है, सब कुछ जानना है, उसके बाद आप लोग यहाँ आ सकते हो। भैया भैया आप लोग पे पलंग जो है कितना से स्टार्ट है? पलंग भैया यहाँ 6,000 से लेके 25,000 तक। हाँ, सोफा सेट भैया 8,000 से लेके 12,000 तक। वाह, तो इतना सस्ता में अवेलेबल हो जा रहा है। नहीं तो गाइस, आप लोग सुन सकते हो भैया से, आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सस्ता से सस्ता में आप लोग को पलंग और सोफा सेट जो कि आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप लोग खरीदने आना चाहते हो, अगर आप लोग कोई दुकानदार हो या फिर खुद के लिए खरीदना आना चाहते हो तो आप लोग खरीदने आ सकते हो। तो अगर आप लोग को यहाँ पे डिटेल में जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन कर देना कि कौन सा मार्केट का डिटेल में वीडियो चाहिए, क्या कुछ का कितना प्राइस है जानना है तो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सोनपुर हाजीपुर को कनेक्ट करने वाला ब्रिज, और अभी हम लोग इस ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं लोग सीधा जर मेला लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला मेला लगा हुआ है, जिधर पे अमरनाथ का गुफा और माँ वैष्णो देवी का गुफा जिधर है उधर की ओर हम लोग निकल चुके हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गेट के पास, और यहाँ पे मेरे पीछे गेट जो है, इसी गेट से आप लोग एंट्री करोगे और एंट्री करते ही आप लोगों को सीधा दिख जाएगा अमरनाथ का जो गुफा है वो आप लोगों को दिख जाएगा, काफ़ी हद तक बन के तैयार हो चुका है। और ये विदेशियन झूला भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, जो अगर आप लोग पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो तो यहाँ पे आके वो चीज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हो आप लोग। ये देख लो यहाँ पे है एक्वेरियम, यहाँ एक्वेरियम में आप लोग जा सकते हो, यहाँ अमरनाथ गुफा है, यहाँ तारा माँ जी से हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे इस चौक पे। ये हो गया आपका मेन रास्ता हो गया, और इस मेन रास्ते से ठीक बगल में ये चौक आपको मिल जाएगा देखने को। आ चुके हैं अमरनाथ के गुफा की ओर, और अभी हम लोग चल रहे हैं, ये रहा कुछ मेला, और अभी हम लोग हैं अमरनाथ की वादियों में, मतलब सारा थीम्स जो है उसी के ऊपर बेस करके बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपना अमरनाथ का गुफा, कैसे मज़ा आया भाई देख के। और अभी हम लोग चल रहे हैं अमरनाथ की गुफा के, मतलब थोड़ा सा थीम जो है उसका बनाया गया है इस बार अमरनाथ का, और काफ़ी ऊँचाई पर भी है भाई भाई, मतलब अच्छा खासा हाइट है। नहीं ये है मेला, और अभी हम लोग अमरनाथ के गुफा में जा रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। भाई चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर एजेड लोग हैं तो भैया वो लोग का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर बच्चा लोग है छोटा उत्साह है तो वो लोग ज़रूर आ सकते हैं ऊपर। और काफ़ी ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ अभी रेडी नहीं हुआ है, यहाँ पे बांस आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे भी आप लोग को देख रहे हो काम चल रहा है पूरा, हम लोग आदमी लोग बैठे हुए, वर्कर लोग काम कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा बांस का ढांचा में इसको बनाया गया है, देख रहे हो कितना सारा बांस है। तो गाइस ये देख लो, यहाँ पे देखो ये आया हुआ है विदेशियन झूला, सब इसी नाम से बुला रहे हैं इसको पता नहीं क्यों। और ये काफ़ी हेवी देखने को लग रहा है यार, इसमें जो बैठेगा उसको भाई जिगरा में दम चाहिए भाई, बहुत भयानक रहेगा भाई, सीट बेल्ट वेल्ट बेल लगा के एकदम ये ऐसे 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 से पूरा घूमेगा। और यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को अमरनाथ का गुफा, और काफ़ी सारा मेला लग रहा है अभी भी। और एक एक ये वाला भी झूला है जो काफ़ी रील्स आप लोग देखोगे, इसका भी रील्स देखोगे, बंजी जंपिंग जैसा कुछ आता है, ऊपर ले जाता है नीचे गिराता है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने को लिए। और काफ़ी कुछ अलग अलग का इवेंट आया हुआ है बहुत सारा मस्ती मौज करने के लिए यहाँ आया हुआ है अमरनाथ का गुफा। तो आओ हम लोग भी चलते हैं अमरनाथ का गुफा के पास, और यहाँ से आप लोग को मेला का काफ़ी हाइट से व्यू मिल जाएगा यहाँ से। अभी हम लोग हैं टॉप पे अमरनाथ के एकदम टॉप पे, और यहाँ से काफ़ी सारा व्यू देखने को मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पे सीनरी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो गाइस ये जो अभी मेरे पीछे पंडाल देख रहे हो, इनका जो इनसे कुछ जो कि क्या कुछ जानकारी है सब कुछ आप लोग को दे देते हैं, कब इसका ओपनिंग हो जाएगा, कब तैयार हो जाएगा, और यहाँ पे कितना रुपया लगेगा एंट्री फीस, तो आओ इनसे जान लेते हैं। भैया थोड़ा इस पंडाल के बारे में बताइएगा कि क्या क्या पंडाल क्या बना रहे हो? वैष्णो देवी दर्शन है और चार धाम दर्शन है, दोनों एक साथ है। चार धाम दर्शन कितना दिन से बना रहे हो? लगभग एक महीने से चल रहा है। एक महीने से कितना टाइम लगा, कम से कम कितना खर्च आया होगा? अप्रोक्स 35 के आसपास लग गया। 35 से 35 से 40 लाख के आसपास। 35 से 40 लाख। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे, और एंट्री फी भी रहेगा क्या यहाँ कुछ? एंट्री फी का प्लान है अभी। अच्छा, एंट्री फी का प्लान है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे चार धाम यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा सब कुछ कर सकते हो, और कुछ शायद एंट्री फी का भी कुछ अभी बात चल रहा है, तो आप लोग कुछ एंट्री फी दे के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइट वाइट जो है देखने मिलेगा, और काफ़ी कुछ और भी कुछ यहाँ ऐड करेंगे ये लोग ताकि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। और देखो काफ़ी सारा काम बाकी है, अभी काफ़ी सारा बांस गिरा हुआ काम चल रहा है, और भी कुछ नया नया अपडेट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा।
गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बकरी बाजार में, और बकरी बाजार में आप लोग ढुकते ही यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सा एलियन टाइप बकरी देखने मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा कान है लोग का, ये देख लो यहाँ पे हर एक तरह का बकरी जो कि आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और इस साइड भी बेड़े में आप लोग, अरे बाप ये कौन बकरी है, तो मेरे साइज का है क्या आप देख सकते हो। तो यहाँ भी आप लोग को बकरी देखने को मिलेगा, काफ़ी तरह तरह का बकरी देखने मिलेगा। और इसका प्राइस भी आप लोग कितना से शुरुआत है बकरी का दाम? 700 रुपये किलो 600 रुपये किलो 700 रुपये 600 रुपये। कौन नस्ल कौन है? तोता पारी, जमुना पारी, सुरैया, अजमेरी, गुजरी। वाह खूब बढ़िया, ये सब की तुम्हारा है? हाँ हमारा। कहाँ से आए हो तुम लोग? राजस्थान से बच्चे लाते हैं, हमारा घर है जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश। अरे बाप उत्तर प्रदेश से आए हो तुम लोग, अच्छा। और यहाँ पे आप लोग को और भी आप बकरी देखने को मिलेगा, ये भी बकरी कहाँ से लाया है भाई? आप तेरे पास कौन भैया उनसे बताया उनको लिया है। अरे नाम मजाक, बकरी का क्या नाम है यार तुम पता नहीं क्या बता दो। सिरोही, अजमेरी, अलवर, तोता पारी सब। कितना से शुरू है तुम्हारे पास रेट? 600 700 750 800 किलो किलो। अच्छा, और यहाँ पे देख तो भाई का अभी कलेक्शन काफी ज्यादा लेके आया है। कहाँ से आया तू? राजस्थान। तू भी राजस्थान? भाई ये भी राजस्थान से आया है भाई, और इसका पास भी काफी ज्यादा कलेक्शन देखने को मिलेगा। हर एक तरह का आप लोग को पकड़ी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइस ये मेला इतना ज्यादा एडवेंचर है ना, मतलब आप लोग एक दिन में पूरा कम्प्लीट नहीं कर पाओगे। अभी फिलहाल हम लोग मेन रोड से इधर निकल चुके हैं गली के तरफ, और यहाँ आप लोग सीधा हो गए तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा घोड़ा बाजार, यानी कि दुनिया देश दुनिया का जितना भी घोड़ा वाड़ा है सब आप लोग को यहाँ पर बिक्री होते मिल जाएगा। अभी आप गाय देख सकते हो, आप गाय खरीद सकते हो, अगर आप लोग को गाय खरीदना है तो गाय भी खरीद सकते हो। आओ मैं आप लोग को गाय मार्केट भी घुमा के दिखाता हूँ। ये देख लो ये जर्सी या देसी नस्ल के गाय हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हो जर्सी में। ये गाय किसका है चाचा? तारा तुम्हारा भाई? हाँ। कहाँ से आया है तुम? गोविंद चक से। हाँ गोविंद चक, गोविंद चक कहाँ? यही है। हाँ यही है। अच्छा क्या क्या नस्ल का गाय रखा है? जर्सी नस्ल का है। जर्सी का है, और दाम कितना है, स्टार्ट कितना से है? 7000 से स्टार्ट करिए। 7000? 60 और 60000 से शुरू है। कितना लीटर दूध है अभी? गाभिन है, सब गाभिन है तीनों? वो दोनों ब्याल है। कितना लीटर दूध दे रहा है कम से कम? अभी ये 2 दिन का बियाया हुआ है। अच्छा 2 दिन का बच्चा दिया हुआ है ये? 16 किलो फेंसा कर रही है। 16 किलो फेंसा। और इसका दाम कितना हुआ कम से कम? इसका दाम रखे हैं 90000। 90000। एक बार गाय को दिखा दो, देख लीजिए। तो गाय देख सकते हो इसका कितना बताया, 90000। तो गाय 90000 का गाय है, 16 लीटर दूध है। अभी कल कितना दिन का भी आया हुआ है? परसों का बच्चा दिया हुआ है। और इसका काफ जो है कि वो दोनों में से कोई एक हो सकता है, उजला वाला है? नहीं, अच्छा उजला वाला वहाँ देख सकते हो, उजला वाला। और अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग यहाँ से आ सकते हो। यहाँ आने के लिए बस सिंपली गाइस जो आपने रास्ता दिखाया ना मैं उसी रास्ता से आप लोग को जस्ट आना है, और पहला ही आप लोग को मिल जाएगा बेड़ा इस भाई का। तो यहाँ से अगर आप लोग को यह गाय पसंद है तो ले सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारा बेड़ा है, देखो ये शायद अभी अभी बच्चा दिया है इस वाले गाय ने, अभी अपने अपने बच्चे को जन्म दिया है। और अभी ये देख लो यहाँ भी बेड़ा है, इधर भी बेड़ा है, गाय भैंस हाथी ऊँट सब मिलेगा यहाँ, सब मिलेगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घोड़ा मार्केट में, और यहाँ पे एक से एक घोड़ा देखने को मिलेगा। ये देखो एक शानदार घोड़ा, जीता जागता बुलेट है। आप लोग सब घोड़ा देखने आए ना, बेचने आए हो? हम लोग बेचने आए। बेचने आए हो? अच्छा आप लोग का तबेला कौन सा है? मेरा कौन है नहीं तो देख रहा है, कौन सी है? मेरा है। हाँ तबेला, तबेला 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 तो यहाँ मिलेगा, उधर है। अच्छा ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है ये घोड़ा का मालिश। ये घोड़ा नहीं बुलेट है, नहीं। और देखो इस घोड़ा का भी अभी चल रहा है मालिश। और यहाँ पे ये भैया कहाँ कहाँ से आए हो भैया आप लोग? मोतिहारी जिला, मोतिहारी शहर का। अच्छा मोतिहारी शहर का। एक एक काला घोड़ा है और एक सफ़ेद घोड़ा है यहाँ भी। और इसका घोड़ा, अरे सारा लोग बोल भी रहा है। अरे भाई घोड़ा है ना, घोड़ी है, दोनों घोड़ा है। अच्छा सोनी जी, नाम किशोर सोनी, नाम है लोग का मालिक का नाम? ना ना घोड़ा का नाम है, घोड़ा का मालिक का नाम बताएं। बुलेट राजा क्या ना? बादल। अच्छा ये बादल है गाइस, ये बादल के जैसे तेज में चलेगा ये ऐसा। भाई घोड़ा भी काफी डेंजर है। हाँ बोलिए, आप खा रहे हैं क्या? अच्छा तो खाइए, हम आ रहे घूम के। तो गाइस यहाँ पे मतलब एक से एक घोड़ा मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, हर एक तरह का विचित्र विचित्र, और एक से एक कम दाम में एक से एक बढ़िया घोड़ा।
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घोड़ा का मार्केट हो रहा है, काफ़ी दूर दूर से करीबन मुंबई महाराष्ट्र राजस्थान कहाँ से पता नहीं कहाँ से यहाँ लोग आ रहे हैं इतना, और हर एक कोई अपना अपना घोड़ा लेकर आया है, कोई लोग खरीदने आया है, कोई लोग बेचने आया है। यहाँ पे भी देख लो एक और है यहाँ पे घोड़ा। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घोड़ों का बीच में, एकदम कह सकते हो इधर भी घोड़ा देखने मिलेगा और इधर भी घोड़ा देखने मिलेगा, एक से एक शानदार घोड़ा देखने मिलेगा। इसका देखो सर, इसका पोज देखो गाइस, एक बार पोज कैसे दे रहा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास का पोज है। और इधर हर एक तरह का घोड़ा देखने मिलेगा, घोड़ा घोड़ी हर जैसा घोड़ा घोड़ी देखने मिलेगा। और यहाँ पे देख लो ये घोड़ा भी काफ़ी हेवी तगड़ा एकदम है, देख लो गाइस हर एक घोड़ा। अब दोनों घोड़े के बीच में चल रहे गाइस, कितना अंदर थोड़ा डर टाइप का भी लग रहा है। इधर देख सकते हो इधर भी काफ़ी अच्छा, ये घोड़ा का कलर बहुत अच्छा आ रहा है, काफ़ी ग्लेस कर रहा है घोड़ा का, मतलब हाल होलिया भी ठीक है, दाम में काफ़ी अच्छा है अगर आप लोगों को लेना है। एक काला घोड़ा देख सकते हो और ये भी काफ़ी अच्छा घोड़ा दिख रहा है, मेरे को ये घोड़ा काफ़ी पसंद आया ये वाला, इसका कलर बहुत अच्छा है। और ये लोग भाई, ये लोग का मालिक कहाँ है तुम्हें वाइस? तो गाइस यहाँ पर आप लोग जितना भी घोड़ा कलेक्शन देख रहे हो सब ये लोग भाई लोग का है, तो आप कुछ जानकारी लोग से बता देते हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हो पहले तो ये बताओ? फतेहपुर से। आ, आ, और यहाँ पे कितना घोड़ी लेकर आए हो आप लोग? हम लोग लेके आए बत्तीस घोड़े ले आए हो। हाँ 32 घोड़े लेके आए हो, और कितना दिन से यहाँ मेला में लगा रहे हो? यहाँ पे 3-4 दिन भाई। नहीं कितना साल से लगा रहे हो यहाँ पे? कम से कम 2-3 साल ज्यादा हो रहे हैं, 2-3 साल 5 साल हो गए। और कितना से घोड़ी का और घोड़े का दाम स्टार्ट करते हो आप लोग यहाँ पे? देखिए हमारे पास छोटे से स्टार्ट है, वहाँ से उस साइड से छोटे जो बने छोटी, हाँ वहाँ से 20,000 रुपए से स्टार्टिंग है मेरे पास। अच्छा 20,000 से शुरुआत है आप लोग? 20,000 से स्टार्ट है, 50,000 का भी है, 60 का भी है, 70 का भी है, 75 का भी है, 1.5 का भी है, 2 का भी है, जैसे जो आदमी लेगा वैसा सेल करेंगे, वैसा रेट का भी घोड़ा रहेगा, सारा रेट का घोड़ा रखा, मतलब सब चीजें अवेलेबल है। और आपका एक बार नाम बता दो, अगर आपका कोई लेना चाहे घोड़ा तो आ सकते हैं। मोहम्मद शकील। आप कॉन्टेक्ट नंबर कुछ बता दो जिससे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकता है घोड़ी वोड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग नंबर देख सकते हो, ये नंबर है भैया का, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और यहाँ पे घोड़ी दिखा दे आप लोग को, घोड़े दिखा दे। तो ये देखो ये एक शानदार घोड़ा, ये भी एक शानदार, हाँ भैया होगी, ये एक शानदार घोड़ा, यहाँ पे एक से एक शानदार घोड़ा है। आपका पास सबसे बेस्ट घोड़ा कितने का है? बेस्ट घोड़ा जी हमारे पास है काला वाला घोड़ा है। कौन ये काला वाला ना? इसका प्राइस कितना रखे हो? 70। आता हूँ सबसे बेस्ट घोड़ा यही आपका है कलेक्शन में? घोड़ी हाँ। इसका दाम रखे हो 170। मतलब गाइस देख सकते हो काफी शानदार घोड़ा है, काफी शानदार। और एक घोड़ी दिखा दो, 50। सबसे बेस्ट यही आपके? एक बताया तो 170 खूबसूरती में। हाँ नीला आँख भी है बढ़िया एकदम, कलर भी बढ़िया, काफी शानदार घोड़ा है, काफी शानदार, पूरा सफेद, पूरा कहीं भी एक भी काला रुआ नहीं है इसके अंदर, काली आँख, एक आँख काला एक आँख व्हाइट है इसका। और काफी शानदार घोड़ा है, यूनिक पीस है एकदम यूनिक। गाइस ये जो तबेला है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा जितना सफ़ेद घोड़ा है ना, और सब किस्म का सफ़ेद घोड़ा ये भाई कलेक्ट करके रखे हैं। और यहाँ पर तो बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब एक दिन में घूम नहीं पाओगे इतना घोड़ा का तबेला। और देखो और जो यूनिक घोड़ा जो है वो वाला है, एकदम एक नंबर घोड़ा है पूरा अभी तक का मेला में का, अभी तक जो आया है देख सकते हो, पूरा न्यूज़ मीडिया में भी छाया हुआ है घोड़ा। ये देखो ये है घोड़ा, वो काफी यूनिक घोड़ा है भैया ये देख सकते हो घोड़ा, ये है भाई पूरा सफेद घोड़ों का कलेक्शन यहाँ पे देख सकते हो। ये घोड़ा पता नहीं इतना बेचैन क्यों है, लेकिन काफी जबरदस्त पावरफुल है भाई, इतना ज्यादा पावरफुल है पूछो मत। देख रहे हो काफी घोड़े खा रहे हैं, काफी घोड़े यहाँ पे लगे हुए हैं, और काफ़ी मस्त घोड़ा है ये घोड़े जो है, एक नंबर है। अभी उसको न्यूज़ मीडिया वाले पूरा छाया हुआ है वो घोड़ा। ये भैया यहाँ पे घोड़ा लाए हैं और ये मालिश करे। भैया ये मालिश क्यों किया जाता है इसका? थकान नहीं होगा, थकान नहीं हुआ। अभी कहाँ अभी आया है क्या? तुरंत नहीं, हाँ क्या आया अभी, अभी दौड़ा के लाए हो? कहाँ से आए हो आप लोग? देवरिया जिला। ओह कितना घोड़ा लेकर आए हो यहाँ? 3 घोड़ा ले आए हो, पूरा बिक जाएगा लगता है, उम्मीद है? ये वो रेस खेलने के लिए आया है, वो बिकने के लिए आया। अच्छा रेस भी यहाँ पे होता है? हाँ। कब होगा वो रेस? होने वाला है रेस।
होने वाला है, आपको डेट वेट पता है? डेट तो अभी पता नहीं है। अच्छा, तो कितना दाम कितना रखे हो करीबन तीनों का? दाम तो नहीं बता सकते, दाम नहीं बता सकते। बेचने के लिए नहीं लाए हो? नहीं बेचने के लिए, तीनों में से कोई बेचने के लिए नहीं, वो आया है। उसका कितना रखे हो? उसका 2.5 लाख। 2.5 लाख। आओ भाई वो लोग, आप लोग को वो वाला घोड़ा भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये घोड़ा आया है बिकने के लिए, इसका दाम बता रहे हैं ये लोग 2.5 लाख। और ये दोनों घोड़ा सिर्फ रेस खेलने के लिए आए हैं। आप लोग देखो तो अभी अभी दौड़ के आए हैं, तो इनका मालिश चल रहा है अभी तेल से। और काफ़ी सारा घोड़ा है, उधर भी घोड़ा है, आओ आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ भी कुछ घोड़ों का मालिश चल रहा है, ये देख सकते हो। आप लोग कहाँ से आए भैया? हम लोग आए अयोध्या। अयोध्या का घोड़ा है ये? अयोध्या का घोड़ा ले आए हो? नहीं, अरे कितना घोड़ा लेके आए हो? चार घोड़ा। अरे सबसे बेस्ट तुम्हारा दाम कितना घोड़ा है? ये 5 लाख का है। ये 5 लाख का है जी। अच्छा, इसमें क्या खासियत है जो इसका 5 लाख रखे हो दाम? क्या है रफ्तार? अच्छा, लंबा गर्दन भी इसका मोटा बहुत है ज्यादा बाकियों से। काफी शानदार घोड़ा देखने को लग रहा है। और ये और कितना, कम से कम कितना का घोड़ा है? ये 5 लाख का, 4 लाख का है। अच्छा, कितने साल का है ये? चार साल का है। वाह, काफी जबरदस्त तैयार किए, मजा आ गया देख के। ये घोड़ा हो गया रेडी दौड़ने के लिए। ये देख लो, ये घोड़ा अभी दौड़ा के देखेंगे। यार ये तो घोड़ा पे दौड़ा, काफ़ी मस्त। हाइट भी इसका बहुत काफ़ी अच्छा है। वो निकल गया घोड़ा दौड़ने को, और ये घोड़ा भी निकल गया दौड़ने को। बताइए ना, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जितना भी जानकारी होता है यहाँ पे, आप लोग को हर चीज़ जानकारी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट आई थिंक दिया जाएगा। अभी पता कर जाएंगे तो बता देंगे आप लोग। यहाँ पे देख लो, हर एक तरह का खेती जो होता है, धान कैसे उगाएं, चावल कैसे उगाएं, मक्का कैसे उगाएं, पालक कैसे उगाएं, सब्जी कैसे उगाएं, पहाड़ी क्षेत्र का सब्जी यहाँ मैदानी क्षेत्र में कैसे उगाएं, हर एक चीज़ का जानकारी जो कि आप लोग को दिया जाएगा। देखो जी, यहाँ पे ये कैसे मतलब सिखाया जाएगा ना पौधा, कैसे मतलब क्या किया जाएगा यहाँ पे, मकसद क्या है इसका? बस एक किसानों के बीच एक डेमोंस्ट्रेशन है। अच्छा, प्रत्यक्षण है कि हम इसको आपको लगाए हैं आपके समक्ष, ये नवीनतम तकनीक है, इस तरह से आप खेती करेंगे तो आपको इतना, आप इस तरह से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, तो ये ढंग से जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये शिमला मिर्च का है, तो ये सब चीज, ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, ये जो पॉलीथीन सीट डाला गया, मल्चिंग उसको बोलते हैं, इससे क्या होगा कि जो खर पतवार है वो नीचे ही रह जाएगा, साथ ही साथ उसके अंदर की जो नमी है वो नमी भी बरकरार रहेगी, और जो फसल को जो जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको मिलेगा, और अच्छी तरीके से फलेगा। अच्छे से करो। अच्छा, मतलब सिखाया जाएगा कृषि का तौर तरीका। हाँ, तौर तरीका। अच्छा, तो ये निःशुल्क होगा? ऐसा सारा निःशुल्क, बिहार सरकार की तरफ? बिहार सरकार, कृषि विभाग। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कृषि विभाग की तरफ से आप लोग को अगर कृषि के बारे में कुछ सीखना चाहते हो तो उससे जुड़ा हुआ हर एक नॉलेज जो कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। यहाँ पे वर्मिंग कास्ट प्रोडक्ट, मतलब हर एक चीज़ को आप लोग यहाँ का फ्री में आके सीख सकते हो। कौन सा पौधा कैसे उगाए, कितना कैसे लगाना है, कैसे क्या कुछ प्रोसेस है, जितना A to Z डिटेल्स है यहाँ पे आप लोग फ्री में आके सीख सकते हो। या खाद, इतना अच्छा अच्छा चादर का कलेक्शन है भाई, कितना से स्टार्ट है भाई चादर का कलेक्शन का तुम लोग के पास? ये मेरा 350 का है। नहीं नहीं, ये सब वो 1450 का। स्टार्ट कितना से? 700। और लास्ट कितना तक है? 2000 तक। तो गाइस यहाँ पे कलेक्शन देख सकते हो, भाई के पास बहुत अच्छा से अच्छा कलेक्शन है, चादर वादर का, कंबल वम्बल का, 700 से शुरू है और 2000 तक इसका पास हाईएस्ट है। तो आप लोग यहाँ आना चाहते हो ठंडे का शॉपिंग करने के लिए तो आ सकते हो भाई के दुकान पे। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं था, मतलब आप लोग आ सकते हो अगर आप लोग को लेना है तो। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग को इसका और डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लोग जिस पर्सन का डिटेलिंग में वीडियो चाहिए उस पर्सन का नाम लिख के डिटेल लिख देना, मैं उस पर्सन का आप लोग को डिटेल वीडियो ला दूंगा। जैसे कि मान लो आप लोग को अगर हाथी मार्केट देखना है, आप लोग को मान लो घोड़ा मार्केट देखना है, घोड़ा का दाम जानना है, कुत्ते का दाम जानना है, चिड़िया का दाम जानना है, पलंग का दाम जानना है, मतलब किसी भी चीज़ का रिलेटेड दाम हो, आप लोग बस कमेंट कर देना, मैं आप लोग को इस मेरा से ढूंढ के उसका वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊंगा मैं।
तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।